होगा वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ठहर कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा, आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति के कार्य का। आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाएं और प्लेलिस्ट में एक पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान विषय की मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मेरे सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं वहां से। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो आइए देखते हैं हम। अनुच्छेद 56 के अनुसार, आर्टिकल 56 के अनुसार अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भाई उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति तत्काल की सूचना किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति तत्काल सूचना किसको देते हैं? तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो आप ये कहेंगे भाई लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल सूचना क्यों की जाती है, क्यों दी जाती है? तो ये मैंने दोस्तों आपको बताया था जब संसद का मैंने गठन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि संसद के सदन दो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और संसद के अंग पूछे तो अंग तीन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति भी इसका अंग होता है। संविधान का अनुच्छेद 79 यही कहता है कि राज्यसभा और लोकसभा के अतिरिक्त राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता। इसका मतलब ये राज्यसभा और लोकसभा का के साथ है, यानी ये संसद का अभिन्न अंग है। तो तत्काल सूचना यानी ये राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। यानी उपराष्ट्रपति को पता चल गया, मतलब राज्यसभा को पता चल गया। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए इसको तो पूरी राज्यसभा को पता चल गया। और ये सूचना किसको देता है? ये सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। जब लोकसभा अध्यक्ष को यह सूचना पता चल जाए तो पूरी लोकसभा को यह पता चल जाता है कि सरकार के जो अंग है उसमें से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है। राष्ट्रपति कभी भी किसी वक्त उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, जिसकी जानकारी उपराष्ट्रपति महोदय तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है। अब भाई कभी बार कहा जाता है कि राष्ट्रपति को हटाने की जब बात आती है तो किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। ये अनुच्छेद है 61 महाभियोग प्रक्रिया। ये महाभियोग प्रक्रिया क्या है? कोई भी राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के दुरुपयोग, कदाचार, संविधान में उल्लंघन के आरोप में
कोई किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 61 कहता है। हमारा संविधान का 61 अनुच्छेद महाभियोग की प्रक्रिया बताता है। महाभियोग प्रक्रिया क्या है कि कोई भी राष्ट्रपति शक्तियों के दुरुपयोग कदाचार संविधान में उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को पद से हटाना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों। क्या महाभियोग प्रक्रिया को संसद में भी दोनों सदनों से पास होना पड़ता है? तो भाई ये क्या मामला है, तो देखिए उदाहरण के समक्ष मैं आपको बताता हूँ ये क्या मामला है कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या और लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 2/3 दो तिहाई बहुमत, जिसे हम कहते हैं 2/3 बहुमत से बिल पास होता है, ये महाभियोग की प्रक्रिया पास होती है, तभी किसी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या तथा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 2/3 यानी 2/3 दो तिहाई बहुमत पास होना पड़ता है कोई भी महाभियोग लाया जाता है। तो महाभियोग संसद के किसी भी सत्र में चलाया जा सकता है। अगर 2/3 बहुमत से महाभियोग पास नहीं होता तो यथावत राष्ट्रपति वहीं पर बना रहेगा, उस पर कोई खतरे की गंती नहीं है, कोई निशान नहीं है। वह किसी महाभियोग की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति शक्तियों के दुरुपयोग कदाचार संविधान के उल्लंघन के आरोप में अगर पाया जाता है तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है। और महाभियोग कब चलाया जाता है, 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पास किया जाना पड़ता है ये महाभियोग। और मैं आपको बता दूं, एक राष्ट्रपति का चुनाव मैंने आपको बताया था कोई 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। अब 5 साल के उपयुक्त कोई भी राष्ट्रपति जिसकी मृत्यु हो जाए 5 साल में, कोई मान लो या 3 साल जिसने कार्य पूर्ण करता हो और शेष 2 साल बचे हो, तो वह राष्ट्रपति क्या करता है, तो शेष के लिए राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो बाकी बच्चे 5 सालों के लिए होता है, नए के बाकी बच्चे 2 सालों के लिए होता है। और कोई भी अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए किसी महाभियोग के द्वारा या किसी अन्य द्वारा किसी राष्ट्रपति की जो मृत्यु भी हो जाती है बीचों बीच, तो 6 राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 6 माह के भीतर भीतर कराना होता है। छह माह के भीतर कोई भी चुनाव कराना होता है। अब नए राष्ट्रपति कोई भी जो आएगा वो बाकी शेष अवधि के लिए नहीं आएगा, बाकी वापस 5 साल के लिए आएगा। अब एक उदाहरण देखो, 5 साल का कार्यकाल में कोई भी राष्ट्रपति 3 साल कार्य पूरा कर चुका हो और वह उसकी मृत्यु हो जाए यानी शेष कितने रह गए हमारे पास, 2 वर्ष शेष 2 वर्ष रह गए। अगर नए चुनाव होते हैं तो वापस वे 5 वर्ष के लिए होते हैं, नए के 2 वर्ष के लिए होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है। तो जो शपथ की जो वर्णन है या जो शपथ की प्रक्रिया है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 60 में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ होती है उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60 में शपथ का वर्णन
राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भाई सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम सीजी, जिसे चीफ ऑफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यह शपथ क्या होती है? यह शपथ देखिए, राष्ट्रपति कहता है कि मैं राष्ट्रपति पद का कार्यपूर्वक कर्तव्य करूंगा। दूसरी क्या शपथ है? भारतीय जनता की सेवा तथा कल्याण में निहित रहूंगा। राष्ट्रपति ये दो शपथ लेता है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जिसे हम कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखेंगे राष्ट्रपति का वेतन कितना है, क्या विशेष अधिकार है एवं भत्ते व अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति को क्या दी गई है भारत सरकार द्वारा। तो अब जानेंगे हम, वेतन की बात करूं तो भारत सरकार द्वारा ग्यारह सितंबर 2008 में एक अधिनियम बना था जिसे हम कानून कहते हैं, 2008 के अनुसार या केस भी कहते हो, उसके अनुसार राष्ट्रपति का जो वेतन था राष्ट्रपति का वेतन 2011 सितंबर 2008 में एक कानून बना था, उसके अनुसार राष्ट्रपति का वेतन था 150,000 रुपये। कितने थे? 150,000 रुपये। लेकिन मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन, तो वर्तमान में राष्ट्रपति का कितना वेतन है? ₹5,00,000 प्रति माह। अगर मैं बात करूं 11 सितंबर 2008 में एक अधिनियम बना था, एक कानून बना था, उसके तहत तो थी राष्ट्रपति का जो वेतन था 150,000 रुपए, यानी उस समय राष्ट्रपति का वेतन कुल मिला के 1,50,000 रुपए था। लेकिन अब वर्तमान की बात करूं, मैं आज की बात करूं, तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5,00,000 रुपए प्रति माह है। ये कहां से दिए जाते हैं? तो भारत सरकार की एक संचित निधि होती है, भारत सरकार की संचित निधि होती है जिन्हें राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। एक विशेष बात यह है कि राष्ट्रपति के वेतन पर कोई आयकर कर नहीं लगता,
यानी राष्ट्रपति को वेतन पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता, आयकर जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स, राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता। राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर इनकम टैक्स नहीं लगता, यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो वेतन है या सैलरी है वो प्रति माह वर्तमान में 5 लाख रुपए है और राष्ट्रपति को ये इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और विशेष अधिकार की मैं बात करूंगा। तो हमने दोस्तों चर्चा की राष्ट्रपति के वेतन के बारे में, अब कुछ विशेष अधिकार के बारे में हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के। तो आपको पता है राष्ट्रपति भवन उनका औपचारिक आवास होता है जो कहां है, रायसेना हिल्स दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन उनका औपचारिक आवास होता है जो कि कहां है, रायसेना हिल्स दिल्ली, रायसेना दिल्ली। रायसेना दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आपको पता है राष्ट्रपति का जो उनका औपचारिक भवन है वो रायसेना हिल्स जो वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। इनका एक ग्रीष्मकालीन हाउस होता है जिस जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छरबरा गांव में, छरबरा ग्रीष्मकालीन आवास, इनका ग्रीष्मकालीन आवास होता है। हैदराबाद में भी राष्ट्रपति नीलियम नाम से भी आवास है। अब अन्य सुविधाएं क्या दी गई है भाई, अन्य सुविधा ये दी गई है कि कोई भी राष्ट्रपति के पद पर जब तक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जब तक आसीन है, जब तक उसके खिलाफ या फौजदारी कानूनी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट नहीं निकाला जा सकता और न ही किसी पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की जा सकती है। और अन्य सुविधा की हम बात करें, कोई भी सेवानिवृत्त जो राष्ट्रपति होता है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के मृत्यु के पश्चात उसकी जो पत्नी है सेवानिवृत्त को मिलने वाली आधी पेंशन उस पत्नी को मिलेगी और सरकार उसको आजीवन मकान उपलब्ध करवाएगी। तो ये कुछ राष्ट्रपति के वेतन विशेष अगर बताते हैं, अन्य सुविधाएं थी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य, राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होते हैं और कार्य देखेंगे हम। तो सामान्य तौर पर या हम नॉर्मली बात करें तो राष्ट्रपति शक्तियों को दो प्रकार से बांटा गया है। राष्ट्रपति के शक्तियों को कितने तौर पर बांटा गया, दो प्रकार। पहली है सामान्य शक्तियां या सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरी हम अगर शक्तियों की बात करूं राष्ट्रपति की तो वह आपातकालीन शक्तियां।
राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार से दी गई है, सामान्यकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, सामान्यकालीन शक्तियों को कुछ छह प्रकार से बताया गया है। पहले कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति या शक्तियां, दूसरा विधायी शक्तियां, तीसरा दिया गया है वित्तीय शक्तियां, चौथा न्यायिक शक्तियां, पांचवा कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, और छठी शक्ति दी गई है सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां। नॉर्मली राष्ट्रपति को दो शक्तियां प्रदान है, सामान्यकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां को छह प्रकार से बांटा गया है, पहले कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां। अब हम आपातकाल शक्तियां को कितने प्रकार में बांट सकते हैं, आपातकाल शक्तियों को तीन ही प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है, पहला क्या होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352, दूसरा राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, तीसरा होता है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद। तो राष्ट्रपति की यह शक्तियां हैं, सामान्यकालीन शक्तियों को छह प्रकार से बांटा गया है और आपातकालीन शक्तियों को तीन प्रकार से बांटा गया है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, 356, 360। तो हम अगले वीडियो में हर एक एक पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो इतना ही है। मैं आपको फिर से ये थोड़ा समझा देता हूँ कि देखो, लोग कहते हैं कि याद नहीं होता, क्या याद करने की बात है इसमें। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, 352, 356, 360, 352, 356, 360। अगर पांच बार बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, क्या है 352, 356, 360, 352, 356, 360, 352 क्या है, 356, 360। अगर मेरे दोस्तों याद रखना, एक भी एग्जाम में अगर याद आता है, अगर मैं बात करूं बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की, तो एक नंबर, एक क्वेश्चन तीन नंबर का आता है। अगर आपको ये 352, 356, 360 में भी अगर एक भी क्वेश्चन याद रहता है, तो आप तीन नंबर गौर करते हो, तीन नंबर बहुत होते हैं। क्या है राष्ट्रपति आपातकाल, मैं आपको आराम से बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन थोड़ी चर्चा कर लेता हूं इसमें। राष्ट्रीय आपातकाल, जब बाह्य शस्त्र या विद्रोह होता है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति शासन क्या है, अगर राज्य की सरकार सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है, राज्य में सरकार नहीं कार्य कर रही है, तब राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन कहेगा कि राष्ट्रपति महोदय, आप हमारे राज्य में अपने हाथों में ले शासन, हमारे सरकार सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है। तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। वित्तीय आपातकाल, ये आपको सोचकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे देश में आज तक एक भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया,
जैसे कोई महामारी आ जाए या संकट आ जाए तब वित्त आपात का लागू होता है। जैसे हमारे पास तो बहुत तगड़ा उदाहरण है कि जैसे वित्त आपातकाल, जैसे ये कोरोना महामारी आई है उसमें वित्त आपातकाल ये सबके जो धंधे हैं वो बंद पड़े हैं, कारोबार नहीं चल रहा, सरकार के जो सुचारू रूप से कार्य है लेकिन खजाना जो कहते हैं हम खाली हो चुका है। इसलिए वित्त आपातकाल जब लागू होता है जब कोई संकट आ जाए देश पर, देश का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए संकट के कारण, जैसे ये कोरोना महामारी सबको हिला के रखने वाली ये महामारी जिसने सबको हिला दिया है। वैसे तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है उसकी वेतन की कटौती की जाती है, हालांकि आज तक ऐसा कोई महामारी नहीं, हालांकि ये वित्त आपातकाल एक भी बार लागू नहीं किया जा चुका है, जब भी आज तक इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन कोरोना काल है लागू करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन हो सकता है जरूरत पड़ जाए लेकिन अभी तक नहीं हो की गई है। तो क्या है या अनुच्छेद 352, 356, 360, आज आपको ये याद करके यहाँ से जाना है कि 352 क्या था, 356 क्या था और 360 क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आज की ये हमारी क्लास आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सामान्य काल शक्तियों की और आपातकाल शक्तियों की, एक एक टॉपिक को विस्तृत से जानेंगे। तो धन्यवाद।